ये लो खाना, मैं भी खा ही गई हूँ, मैं भी खा ही गई हूँ, मैं भी खा ही गई हूँ, मैं भी खा ही गई हूँ। लगभग 10 साल का बालक राधा का गेट बजा रहा था। राधा ने बाहर आकर पूछा, क्या है? आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? नहीं, हमें नहीं करवाना। प्लीज आंटी जी, करा लीजिए ना, अच्छे से साफ करूंगा। अच्छा ठीक है, कितने पैसे लेगा? पैसा नहीं आंटी जी, खाना दे देना। ओह, लगता है बेचारा भूखा है, पहले खाना दे देती हूँ। राधा बुदबुदाई, ए लड़के, पहले खाना खा ले फिर काम करना। नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूं फिर आप खाना दे देना। ठीक है, कहकर राधा अपने काम में लग गई। एक घंटे बाद आंटी जी, देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई है कि नहीं। अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया सफाई की है। यहाँ बैठ, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही राधा ने उसे खाना दिया, वह जेब से पन्नी निकालकर उसमें खाना रखने लगा। भूखे काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा ले, जरूरत होगी तो मैं और दे दूंगी। नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई पर डॉक्टर साहब ने कहा दवा खाली पेट नहीं खाना है। राधा रो पड़ी और अपने हाथों से मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया। फिर उसकी माँ के लिए रोटियां बनाई और उसके साथ घर जाकर उसकी माँ को रोटियां दे आई और कहे आई, बहन आप बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को भी नहीं दे पा रहे, वो दौलत है खुददारी। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और वीडियो लाइक करें।